हेलो वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स आज हमारा टॉपिक है वार्शल्स अलगरेथम लेट्स बिगिन सो वार्शल अलगरेथम यूज फॉर ट्रांजिट यू क्लोजर जो लास्ट हमने पढ़ा था लेक्चर में तो उसी का है uh, ये अलगुरेम डिस्क्राइब किया है रॉय वार्शल ने और उसी के नाम से मंसूब है वार्शल इन 1960 आई थिंक एंड 59 नाइन अराउंड अबाउट ठीक है ये उसका कुछ ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है उसका जो बायो है बुक में आप पढ़ सकते हैं इसको न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करता है ये ठीक है सो so, इसको हम जो कंप्यूटिंग ट्रांजिट यू क्लोजर ऑफ ए रिलेशन उसके लिए यूज़ करते हैं क्यों हमें जरूरत पेश आई इस अलगोरेथम के वारसर ने क्यों इसको डिस्क्राइब किया इस अलगोरेथम को क्योंकि ये बहुत इफिशेंट अलगोरी है लास्ट जो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर बहुत ज़्यादा रिलेशन हो यानी उसका साइज़ बहुत बड़ा हो तो उसके लिए कोई प्रॉपर अलगोरेथम होना चाहिए और इफ़िशेंट वे होना चाहिए ठीक है तो उसको ये और इफिशियंट uh, अलगोरेतम है और ये रिड्यूस करता है ऑपरेशन को जितनी भी ऑपरेशन हैं उस फाइंडिंग और कंप्यूटिंग द क्लोजर ट्रांजिटिव क्लोजर टू एन क्यूब इंटू एन माइनस वन उसका जो ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन टू एन इंटू टू एन या हम इसको सिंपली कह सकते हैं ओमेगा एन फोर पावर फोर टू एन ओमेगा एन क्यूब फॉर एन इज फॉर एन एलिमेंट अगर हमारे पास एन एलिमेंट हो तो इसमें काफी एफिशिएंट एल्गोरिथम है उसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है उसको रिड्यूस करता है ये so, सो इसको हम एक एग्जाम्पल इसका जो अलगोरेतम है बेसिकली ये उसका अलगोरेतम है बुक में भी दिया गया हुआ है प्रोसीजर है वार्शल एम आर जो मेट्रिक्स होता है क्योंकि ये मेट्रिक्स परफॉर्म पर करता है और जो जीरो वन मेट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना होता है रैंक ऑफ एन कोई भी बिलक जिस तरह थ्री बाई थ्री फोर बाई फोर फाइव बाई फाइव मेट्रिक्स हो तो ये उसके तीन लुफ्स हैं इस प्रोसीजर को किस तरह फॉलो करते हैं इसको हम एग्जाम्पल से फिर डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो आहिर में रिटर्न डब्ल्यू होगा ये हमारे पास क्लोजर होगा ट्रांजिटिव क्लोजर होगा ठीक है ये डब्ल्यू आई जे और ये इसका है आई डब्ल्यू आई जे मीन्स वन ये हमने उसको लोकेशन फाइंड आउट करना है कि जीरो और वन जो मेट्रिक्स है वन मीन्स के देआर इज एज कि उसमें कोई पाथ है जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पाथ के बारे में पढ़ा था अगर वन है तो पाथ है अगर जीरो है तो इट मींस देयर इज नो पाथ ठीक है तो ये मैट्रिक्स में उसी पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते तो आई जे जो है यहाँ पर हमारे पास इंडाइसेस है इंडेक्स सो so, लेट्स एग्जांपल देखते हैं वही एग्जांपल हम लेते लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था ताकि आपको फर्क واضح हो जाए कि उसी को हम किस तरह इस एग्जाम्पल वार्शल अलगोरेम के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं सो फाइंड द ज़ीरो वन मेट्रिक्स ऑफ द ट्रांजिट क्लूजर ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय ये हमारे पास रिलेशन था लास्ट एग्जाम्पल में और यह हमारे पास सेट है ए इज टू वन टू थ्री तो इसका हमने ट्रांजिट क्लूजर मालूम करना है क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिट नहीं है तो इसको हमने ट्रांजिट क्लूजर के थ्रू मालूम करना है फिर वो ट्रांजिट रिलेशन होगा सो so, क्योंकि ये उसका डायग्राम था लास्ट एग्जांपल में भी हमने वन टू थ्री इससे जाहिर हुआ क्योंकि उसमें थ्री बाई थ्री पर भी लूप होना चाहिए तो लिहाजा ये ट्रांजिट नहीं है इसलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो एग्जांपल सिंपल क्योंकि थ्री नोट्स का है जब फोर फाइव का लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसलिए हम इसी सिंपल ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं सो so, फर्स्ट आपने फाइंड आउट करना है इसका कर्डिनलिटी कि स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करते हैं अगर आपके पास फोर एलिमेंट हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो फोर बाई फोर बनेगा हमारे पास क्योंकि थ्री है वन टू थ्री तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो थ्री बाई थ्री बनेगा क्योंकि कभी कभार आपको जो रिलेशन है इससे अंदाजा नहीं होता है कि हमारे पास जो रिलेशन है कि मैंने मेट्रिक्स कितने साइज uh, का बनाना है तो इसलिए आपको जो मेट्रिक्स दिया गया होता है जो आपके पास सेट दिया गया होता है तो रिलेशन को आपने नहीं देखना आपने इस सेट uh, को देखना है इसकी कड़ अगर इसमें तीन एलिमेंट है तो तो सेट की जो है तो जो हमारे पास आएगा वो या के सम इसको डिनोट करते हैं। अब ये मैट्रिक्स किस तरह बनता है यह देखे वन बाई वन फर्स्ट इसको आपने वन टू थ्री क्योंकि लेकर नहीं जा सकता मैट्रिक्स में बट आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह वन टू 3 है अब जो i j थे हमारे पास ये i j ये वो लोकेशन है एल्गोरिथम में तो ये हमारे पास 1 1 है ये हमारे पास 1 1 प्रेजेंट है तो इधर आपने इसको 1 पे रिप्लेस करना है 1 2 तो नहीं है तो 0 जहाँ पर आ, हमारे पास रिलेशन में आ ऑर्डर पेयर अवेलेबल है उसकी जगह आपने वो 1 और बाकी की जगह 0 तो ये इस रिलेशन का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया और ये इसका ग्राफ है अब चूंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका हमने वार्शल के थ्रू अलग्रेत के थ्रू फाइंड आउट करना है तो स्टेप वाइज चलते हैं स्टेप वन पॉइंट वन क्योंकि अब देखिए इसमें जो स्टेप आएंगे हमारे पास टोटल वो हमारे पास थ्री आएंगे बट इस स्टेप के अंदर छोटे uh, छोटे जो कैलकुलेशन है मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है ताकि आप बोल ना जाए तो स्टेप वन ठीक है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इस uh, uh, करते हैं। हैं इसमें हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम uh, के तो इसकी पोजीशन लेते हैं अब ये हमारे पास कॉलम वन आ गया ठीक है तो कॉलम वन जो है हमारे पास ये ये कॉलम वन आ गया हमारे पास इसमें जहां पर वन है उसकी पोजिशन मेन्शन करने अब देखे फर्स्ट हमारे पास वन है तो आपने वन लिखना है देखे जो सबस्क्रिप्ट है इधर हमारे पास वन है तो ये वन वन आ गया इसके बाद तीसरे पोजीशन पे है तो ये हमारे पास थर्ड uh, पोजीशन पे आ गया वन इसी तरह रो अब जो ये फर्स्ट कालम था और इसके बाद हमने फर्स्ट रो लेना है ठीक है अच्छा इसमें दयान रखे फर्स्ट आपने कालम लेना है इसके बाद रो लेना है क्योंकि इसका जो मेट्रिक्स बनेगा ऊपर अपोजिट तो हो जाते हैं तो फर्स्ट कॉलम लेना इसके बाद रो इसमें वन और इसमें भी थ्री देखिए टू में जीरो है तो टू को हम नहीं है तो है हमारे पास दो सेट uh, बन गए C1 और R1 का अब इसको हमने क्या मान लो ये W0 था तो नेक्स्ट जो स्टेप वन में हमारे पास आएगा वो डब्ल्यू वन आएगा तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ठीक है कि हमारे पास W1 आ जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों का हमने लेना है ये लेके। ये W1 आ गया C1 वन मल्टीप्लाई बाई सी टू सॉरी आर वन तो ये हमारे पास वन 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 थ्री और इसके बाद फिर थ्री वन और थ्री थ्री सॉरी ये मैंने क्लोज नहीं किया हुआ है, ये इसको इधर क्लोज करें ठीक है तो ये हमारे पास अब W1 वन आ गया ठीक है अब सो so, W1 वन हमारे पास आ गया लास्ट स्टेप में अब इस मैट्रिक्स को जो W नाट था हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसको हमने अपडेट करना है अपडेट द मैट्रिक्स Uh, जो डब्ल्यू वन है जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा अब ये देखिए इसका uh, हमने बाकी वही सेम रहेगा क्योंकि इसमें वन वन ऑलरेडी प्रेजेंट है वन थ्री प्रेजेंट है थ्री वन प्रेजेंट सिर्फ ओनली जो अवेलेबल uh, नहीं है हमारे पास वो ये लास्ट पेयर है और इस पोजीशन पर हमने इसको चेंज करना है तो ये हमारे पास वन आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास एक स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप था या फर्स्ट फेज था वो कंप्लीट हो गया अब स्टेप टू की तरफ चलते हैं तो उसमें जो 2.1 2.1 मींस मीन्स के वही स्टेप उसमें ती, तीनों रिपीट होंगे तो इसमें अब तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पास क्योंकि तीन रोहें और इसमें तीन कालम है तो हमने तीन मेन बिग स्टेप में कंप्लीट करना है तो अब आते हैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम जो हमारे पास आता है उसको लेते हैं तो सी टू जो हमारे पास है कॉलम टू क्योंकि ये कॉलम टू है तो इसमें सेकेंड पोजीशन पर वन uh, है uh, यहाँ पर और थर्ड पर है तो हमने इसकी पोजिशन को नोट करना है टू और थ्री इस, इसी तरह आर टू तो ये जो रो हमारे पास है इसमें भी सिर्फ सेकंड पे है अब C2 और R2 को का जो कार्तीसियन प्रोडक्ट है उसका वो लेना है 2.2 स्टेप में ठीक है ये जो हमारे पास जो W2 आ गया ये हमारे पास वन था तो ये हमारे पास W2 आ गया C2 टू इंटू आर ठीक है ये 2 इंटू वन है तो हमारे पास दो ही सेट आएंगे 2 इंटू टू और 3 थ्री ये दो पेर बन जाएंगे अब क्या करना है अब इस मैट्रिक्स को हमने अपडेट करना है जो हमारे पास लास्ट ये डब्ल्यू था ठीक है अब इस W1 को देखिए उधर हमने W0 जो था वो अपडेट किया था इधर हम W1 अपडेट करेंगे तो W1 अब देखिए ये ऑलरेडी टू -टू इसमें प्रेजेंट है और थ्री थ्री बी प्रेजेंट है तो इसमें कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आया जो हम इसको एड कर सके ठीक अब देख चलते हैं स्टेप नंबर थ्री पे 3.1 में हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम लेते हैं ये हमारे पास थर्ड कॉलम आ गया और ये

कर्जन प्रोडक्ट है ये हमारे पास सेट बन गया W3 अब थर्ड स्टेप है हमने अपडेट करना है मैट्रिक्स को किसको अपडेट करना है W2 को अपडेट करना है लास्ट जो हमारे पास W2 आया हुआ था इसको अपडेट करना है अब इसको अपडेट करने से जब आप इसको चेक करेंगे तो देखिए बाकी सारे इसमें मौजूद है ये जो ऑर्डर पेयर है वन वन प्रेजेंट है वन टू ये हमारे पास सिर्फ वन टू का इजाफा हो गया इसमें ठीक है जो हमारे पास ये है ये वाला ये हमारे पास इधर जीरो है और ये हमारे पास वन आ गया ये बाकी सेम वही सेट है तो बाकी उसी को लिखना है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको नहीं चढ़ना है तो जो अवेलेबल नहीं है उसमें उसको अपडेट करना है तो ये हमारे पास अपडेटेड मैट्रिक्स आ गया अब इस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर पेयर में हम पूरे मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें आ, रिलेशन की फॉर्म में तो इसको हम कहते हैं क्लोजर ये हमारे पास अब ट्रांजिट क्लोजर बन आ गया जो हमारे एग्जाम्पल में दिया था अब इसको लास्ट लेक्चर में जो हमने कैलकुलेट किया था वही हमारे पास आ जाएगा अच्छा ये जो हमारे पास रिलेशन था और ये हमारे पास इसका क्लोजर आ गया ये हमारे पास दोनों इसके ग्राफ आते हैं अब इन दोनों ग्राफों को कंपेयर करें ये देखे हमारे पास वन टू इस इधर थ्री नहीं था तो ये हमने रेट से मैंने जाहिर किया हुआ है ये हमारे पास एड आ गया दो आर्डर पेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए एक ये जो थ्री थ्री वाला था और दूसरा ये जो वन टू वाला है ये अब जाके इसकी आप पड़ताल कर सकते हैं कि क्या ये अब सारे जो हमने कंडीशन पढ़ा था ट्रांजिट यू का ये वाला कि अगर ए बी और बी सी हमारे पास हो तो हमारे पास ए सी बी होना चाहिए तो इसको आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आ, मैंने थोड़ा सा करवा देता हूं आपको बाकी फिर आप खुद चेक कर लें देखिए अगर हमारे पास वन वन ये हमारे पास ए है और ये बी है और इसके बाद ये सेकंड पेयर जो हम लेते हैं ये बी है और ये सी है तो हमारे पास ए सी यानी वन ये वाला वन टू होना चाहिए one, two हमारे पास तो one, two अब इधर हमारे पास प्रेजेंट है इस में हमारे पास प्रेजेंट है इसके बाद क्योंकि यहाँ पर वन जो है वो सेकंड पोजीशन पर है तो वन को सेकंड पोजीशन पर आपने एक एक पेयर के साथ लेना है इसको अब देखिए वन थ्री आ गया क्योंकि इधर भी वन फर्स्ट पोजिशन पे है तो इसमें के बाद थ्री आता है तो वन थ्री हमारे पास अवेलेबल है इसी तरह वन टू हमारे पास टू टू है अब देखिए इधर सेकेंड पोजिशन पे टू है तो आपने फर्स्ट पोजिशन पे जितने भी टू हैं उसमें वो उस सारे लेने हैं ठीक है थीके? तो अब टू टू हमारे पास एक ही है तो हमारे पास वन टू अब देखिए इसमें वन टू ऑलरेडी प्रेजेंट है इसी तरह वन थ्री अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वन थ्री है तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है क्योंकि ये इधर का हमारे पास सारा वन वन थ्री और इसके बाद थ्री वन अब थ्री वन हमारे पास आ, आ, हम ये हमारे पास थ्री वन का पेयर है तो हमारे पास वन वन का होना चाहिए वन वन ऑलरेडी है हमारे पास इसी तरह तो, वन थ्री थ्री टू इसका आएगा हमारे पास वन टू वन टू भी हमारे पास प्रेजेंट है वन थ्री आखिर में जो थ्री थ्री है हमारे पास तो इससे फिर वन थ्री आता है वन थ्री हमारे पास प्रेजेंट है इसके बाद ले थ्री पे आ जाए इस ऑर्डर पेयर पे थ्री वन तो वन सेकेंड पे है तो सेकेंड पे हमारे पास अब इधर से स्टार्ट करें वन और टू ये वन वन का हो गया तो थ्री वन हमारे पास प्रेजेंट है इसी तरह थ्री वन का वन टू तो थ्री टू हमारे पास प्रेजेंट है थ्री वन का वन थ्री तो हमारे पास थ्री थ्री ऑलरेडी प्रेजेंट है थ्री टू 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 तो इसका थ्री टू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और ये थ्री थ्री लास्ट थ्री वन और थ्री वन तो ये हमारे पास थ्री वन ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये थ्री 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 टू और थ्री टू ऑलरेडी हमारे पास ये ए और सी का प्रेजेंट है तो ये देखिए इस तरह आप पड़ताल कर सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव क्लोजर बन गया है अब इधर से आप जा सकते हैं कि ये जो लेयर है हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने इधर वन टू टू आपके पास प्रेजेंट है तो टू 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 थ्री प्रेजेंट है तो आपके पास वन टू थ्री भी प्रेजेंट होना चाहिए देखिए इधर से है अब जो हमारे पास मिसिंग था कि अगर हम वन से थ्री पे जा सकते हैं और थ्री से टू पे जा सकते हैं ठीक है वन टू थ्री और फिर थ्री टू टू ये वाला तो हमारे पास वन टू टू, टू भी एज होना चाहिए तो ये जो हमने रेड एड किया हुआ है ये इसलिए हमारे पास अब ये ट्रांजेट क्रूजर बन गया कि इसमें सारे पाथ्स जो है वो अवेलेबल है ओके okay. uh, ये हमारे पास गुरैतम जो बुक में दिया गया इसमें कुछ डिटेल बुक के पेज नंबर सिक्स थ्री फोर टू सिक्स थ्री सेवन एग्जाम्पल भी दिए गए हैं उसको भी आप फॉर डिटेल पढ़ सकते हैं ताकि मोर क्लियर हो जाए और कुछ एक दो एग्जाम्पल इस पर हल करें मजीद ओके थैंक्स गाइस लाइक And share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.